भाई डर लग रहा है यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, क्या रावण है। सो गाइस, अभी रात के 10:50 हो चुके हैं, यानी कि 11 बज चुके हैं। और अभी वहाँ पर जो रावण है उसको भी सजा चुके हैं। अभी जो हमारे चाचा लोग हैं वहाँ पर जाके उसका पहरा दे रहे हैं। तो अभी डैड और मैं जा रहे देख के आते हैं कि अभी कौन कौन वहाँ पर हैं और किस तरह पहरा दिया गया है वहाँ पर। और ये भी देखेंगे कि भाई रावण कितना बड़ा है। तो चलते हैं, रात का थोड़ा मज़ा भी लेते हैं और सफ़र का भी मज़ा लेते हैं। और वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, तो चलते गाइस देख के आते हैं वहाँ का नज़ारा। चलो बाबा बैठो, आराम से बैठो। सो गाइस लेट्स गो, देख के आते हैं। और गाइस एक बार बताओ, ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। बाइक तेज चला नहीं सकते। और ये रोड में देखो ओवरफ्लो हो रखा है पानियों का। देख के आते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। ये माता दी, तो फिलहाल आपको आगे ना कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं, क्योंकि अंधेरा इतना है और स्ट्रीट लाइट सब बंद हो चुके हैं। सब लोग सो चुके हैं अपने घर में, मगर हम लोग ये जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि जो हमारे चाचा जी हैं वो वहाँ पर अभी ड्यूटी दे रहे हैं। तो पापा का थोड़ा गिस्ट आ गया, सोचा था उन्होंने कि बोला कि चलो चल के आते, थोड़ा घूम के आके देख के आते कि वहाँ का नज़ारा कैसा हो रहा है फिलहाल। तो अभी हम लोग वहीं के लिए निकले हैं। तो गाइस, तो दिन का सुबह का नज़ारा कितना बढ़िया रहता ना, एकदम उजाला हो, मगर अभी रात को देखो सब लोग सन्नाटा ही सन्नाटा, लाइट एकदम आँखों में पड़ रही भाई, एकदम डीपर यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे लोग। अभी हमें ना ये राइट साइड जाना है, तो भादरपुर में बन रहा है अभी प्रोग्राम। तो क्या अभी मतलब अभी उसके लिए सजावट सजा चुके हैं, कल होगा प्रोग्राम, क्योंकि कल है दशहरा, कल फूका जाएगा रावण को। रखिए लाइटनिंग तो हो रखी है, मगर अभी लाइट जला नहीं रखा, क्योंकि कल के प्रोग्राम की वजह से लगाया जाएगा ये लाइट, जलाया जाएगा। तो फिलहाल तो हमें ऐसे जा रखे हैं अभी देखने के लिए। यहाँ से अंदर जाना मेरे अभी, तो रावण वहाँ पर है भाई, ये आगे भाई हम लोग, और वहाँ पर लगा रखे टेंट। गाड़ी भाई उतरेगी कि नहीं उतरेगी, ये मुश्किल उतरेंगे पापा है वहाँ पर बैठ के। तो फिलहाल अभी मैं गाड़ी को ना आराम से ले जा रहा हूँ, डर लग रहा है यार भाई, रिस्की लग रहा है, रिस्की भाई, गाड़ी पलटने का डर लग रहा है। पलटे ना गाड़ी, बस और कुछ नहीं, गाड़ी नीचे उतार तो दूंगा, मगर ऊपर भी तो चढ़ाना गाड़ी मुझे भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ मैं, डर लग रहा है, डर। पापा गाड़ी निकलेगा नहीं यहाँ से, जाएंगे कहाँ से, यहाँ पर तो रोड भी ख़राब है, रोड भाई बहुत ख़राब है यहाँ पर, तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ यहाँ से चलते हैं, किनारा किनारा जाना पड़ेगा यहाँ से भाई, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पर ये ना मंच बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर तो ये यहाँ पर होगा यहाँ पर। और चाचा जी वहाँ से चिल्ला रहे, आ गया आ गया आ गया। तो ये यहाँ पर भाई रावण बना रखा है, यहाँ पर इन्होंने कैंप सजा रखा है, तो यहाँ पर बैठ रहे हैं ये लोग। तो चलते हैं इनके पास ज़रा, चलो पापा चल के आते हैं। भाई डर लग रहा है यार, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये रास्ता ना यहाँ से था, हम लोग गलती करके आए यहाँ से, ये था रास्ता हम यहाँ से गलती करके आए, हम लोग कहाँ से आए, हम लोग को वहाँ से आए पीछे से एकदम, तो ये हमें यहाँ से आना था पूरा ऐसे करके, यहाँ से जाना था हमने आगे, तो हम लोग आगे जाएंगे। अब मुझे तो आदत उस रोड से है ना, मुझे ये यहाँ से आना था, और आदत मुझे उस रोड से था वहाँ से आना, क्योंकि मैं बचपन से वहीं से आता था, तो मैंने यहाँ पर देखा नहीं है। चल चलते हैं आगे, ज़रा पापा के पीछे पीछे चलते हैं। तो
भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पर भाई। तो अभी यहाँ पर रोड सही है, ये हमारा रावण जी भाई। तो हमने सोचा एक बार मुआयना कर लें यहाँ पर। दिक्कू चाचा, सुखदेव चाचा और यहीं पर सब बैठे हैं यहाँ पर। वो देखो तो ये यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ के पहरेदार चाचा नमस्ते। ये भाई हमारे यहाँ के पहरेदार, देखो ये हमारे चाचा जी दिक्कू चाचा सुखदेव चाचा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई यहाँ पर टेंट टून लगा के। ये देखो भाई मजे ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के यार, मगर एक तरह से कैंपिंग भी हो रहा है इन लोगों का। देखो देखो वीरान जगह में ये तीन जने यहाँ पर, देखो क्या मजे ले रहे हैं। देखो अच्छा लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा। तो ये है हमारा रावण जो भी यहाँ पर लगा रखा है इसको, तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा है रावण हमारा। पापा मजा आ गया यहाँ पर आके तो फिलहाल अभी ना यहाँ पर काफ़ी सुनसान है भाई, काफ़ी सुनसान। तो गाइस काफ़ी रिस्क लेके यहाँ पर आया हूँ, बिल्कुल जो रोड है ना पर बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर ना मेरे ख्याल से ट्रैक्टर चला रखा है यहाँ पर। तो यहाँ का जो रोड है, जो पहले यहाँ पर रोड क्या एक तरह से फील्ड है यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, तो फिलहाल यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने से ना भी थोड़ा जितना भी यहाँ पर जो प्लेन था वो थोड़ा उबड़ खाबड़ में आ गया, तो प्रॉब्लम उसी में आती चलाने में। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर पहले प्लेन था, अब वैसे यहाँ पर थोड़ा ट्रैक्टर चलाने के बाद ये रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया, तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती मुझे यहाँ पर आने में। मगर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे वहाँ से आना था, मैं गलती क्या की मैं वहाँ से आया सीधा, तो मैं यहीं से ही जाऊँगा सीधा फिर उसका सीधा घर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कल दशहरा है, दशहरे से पहले मैं यहाँ पर आ रखा था, देखने आया था कि भाई यहाँ का रावण कैसा है। तो रावण तो रावण तो भैया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, और कल यहाँ पर मेला लगने वाला है। तो आई होप क्या बोलते हैं मैं कल यहाँ पर आऊँ एक बार, देखूँगा कि यहाँ का मेला दशहरे का मेला कैसा होने वाला है। तो फिर चाचा चलते फिर घर को, आप रक्षा करो ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सो गाइस चलते हैं यहाँ से। तो चाचा और तो अभी अपना काम कर रहे हैं, हम निकल से आराम से निकलते हैं भाई। ऑफ रोडिंग तो यहाँ पर हो रही भाई, सच में रोड देखो रोड, लोग सब लोग सो चुके हैं भाई। तो यहाँ पर छोटा सा झूला भी लगा रखा, देखो छोटा सा झूला है, क्या पता कल तक और लग जाए। तो चलते भाई, कल देखते हैं कल क्या होता है। तो चलते, तो ये है रोड यहाँ से आने का। ये था वो रोड आने का, ये है वो रोड, यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है ना, ये वो रोड। हम लोग गलत जगह से आए थे, है तो वो भी रोड मगर हमें पता नहीं था कि यहाँ से भी आना था। तो ये रोड है, सेफ रोड एकदम बढ़िया रोड। ये उतर के भैया, हाँ ये रोड है सर, मैंने पापा वहाँ से गलत आए हम लोग। चले पापा, तो गाइस चलते अब घर की ओर। चाचोर तो कर रहे हैं वहाँ की रक्षा रावण का, तो अभी हम लोग घर को निकल रहे हैं भाई। बहुत बड़ा है रावण है भैया, बहुत बड़ा। तो हम लोग ना यहाँ से गए थे यहाँ से, क्योंकि पहले भी हम यहीं से जाते थे, हमें पता नहीं था वहाँ से। तो ये था वो रोड, मगर अब हम वहाँ से सेफली आ चुके हैं। मगर मुझे टेंशन था कि भाई गाड़ी यहाँ पर ऊपर चढ़ेगी कैसे, मगर पापा ने रास्ता निकाल लिया था तो आराम से निकल दिया वहाँ से। तो अब जा रहे हैं आराम से घर को। मोड़ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही है भाई, आज सच में ना अच्छा खासा ऑफ रोडिंग होगी मेरी बाइक का।
छः बजे से छः सात बजे आएंगे वहाँ पर ना।